मैं नमस्कार करना चाहता हूं आप सब और हमारे दर्शक लोग और हमारे जितने भी गार्जियन तुल गुरुजन जितने भी भाई सारे लोग आए हैं उनको चरण स्पर्श करना चाहता हूं। बहुत खुशी की बात है, आज मैं बहुत खुश हूं कि एक तरफ मेरी फिल्म रिलीज हो रही है और दूसरी फिल्म की हमारी मुहूर्त हो रही है, तो बहुत खुश हूँ कि दीवाना तेरा मर जाएगा मेरा अभी शुभ मुहूर्त हुआ, आप सब आए आशीर्वाद प्यार दिए। और उससे बड़ी खुशी हमको मिली है कि एक ऐसी शख्सियत जो हमारे बीच आई हुई हैं, जो सतीश शिखा जी हैं, जो दूसरे के लिए जीने वाले वर्ल्ड में कम ही लोग मिलते हैं, उन्होंने कितने बच्चों को एडॉप्ट किया है, रोज उनको पढ़ाया लिखाया, गरीबों का मसीहा है वो हमारे बीच आए हुए हैं और बहुत बड़े ड्रेस डिजाइनर हैं, वर्ल्ड फेम हैं, उन्होंने चल के आके आशीर्वाद दिया। दूसरी तरफ मेरी छोटी बहन आई हुई है डिजाइनर, बहुत बड़ी वो भी डिजाइनर है, अच्छी उसने मुकाम हासिल की है और अपना उसका कारोबार फैक्ट्री काफ़ी चीज़ें हैं, वो आई है आशीर्वाद प्यार देने के लिए और काफ़ी डिजाइनिंग कर रही है। वहीं हमारे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो मनोज पांडे सर हैं, उन्होंने मुझे अपने छोटे भाई की तरह आशीर्वाद प्यार दिया है और एक्टर समझ के उन्होंने मुझे ये बीड़ा उठाया और फिल्म लेके बना रहे हैं, क्योंकि वो बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में बनाए हुए हैं, सीरियल प्रोड्यूस किए हैं, बहुत अच्छे मेकर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर तो हैं, काफ़ी बिजनेसमैन हैं। और उन्होंने मुझे देखा और बोला कि मैं तुमको एक फिल्म लेके बनाऊंगा और वो आज पूरा किए अपना वादा। उसके बाद बहुत खुशी की बात है, उन्होंने एक बहुत बड़ी फिल्म मुझे एज ए हिंदी में उन्होंने काम दिया है, तो मैं सबसे ज़्यादा इतना खुश हूँ और उनको दिल से चरण स्पर्श करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस काबिल मुझे समझा है और ये फिल्म और महली में मुझे काम दिया है, बहुत बड़ा उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, बहुत खुश हूँ। और हमारे बगल में बैठे हमारे गार्जियन प्रोड्यूसर एक्टर, इन्होंने मुझे लेके जो फिल्म बनाई है घात लेविस फिल्म इन्होंने बनाया, दूसरा फिल्म मुझे दिया है प्रहार, अभी फिल्म रिलीज होने पे है और जो अभी फिल्म कर रहे हैं प्रहार एज ए हीरो सर खुद हैं, मैं हूँ, ज़्यादा पोल नहीं खुलूँगा, बड़े बड़े आर्टिस्ट इसमें काम कर रहे हैं, जो शहबाज खान जी हैं, रवि किशन जी हैं, गौरव जी हैं, ग्लोरी जी हैं, त्रिशा हैं, काफ़ी लोग हैं और मैं भी कर रहा हूँ, इनका भी आशीर्वाद प्यार मिला है, बड़ा खुश हूँ। साथ में सोनीजा बैठी हुई हैं, ये साथ में काम कर रही हैं और हमारे मोहन साहब को तो पूरी इंडस्ट्री के बेताज बादशाह हैं, तो इनके बारे में क्या कहूँ, इन्होंने तो ये भी चल के आके मुझे आशीर्वाद प्यार दिए हैं, तो इनका भी शुक्रगुजार हूँ। और सबसे ज़्यादा जो मेरे करीबी दिल के राजा उनको बोलूँगा और इंडस्ट्री के शहंशाह मेरे बड़े भैया अभी बोलता हूँ, गुरु हैं, सर हैं, कुणाल सिंह जी जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे हर फिल्म हर एक एक चीज़ को समझाया सिखाया है और उनके साथ काम करने का मौका मिला है और मिलता रहा है, मिलेगा भी, वो मेरे आदर्श हैं, उनको चरण स्पर्श करना चाहता हूँ और जो भी हमारे बीच आए हुए हैं सबको चरण स्पर्श करना चाहता हूँ कि ये हमारी फिल्म के लिए शुभ आशीर्वाद प्यार दें। मुझे अभी नहीं पता किस तरह का रोल है, बस इस फिल्म में दीवाना तेरा मर जाएगा इसमें मुझे बहुत खुशी मिल रही है, इसमें प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर मनोज पांडे जी है, सत्येंद्र सिंह जी हीरो हैं, बहुत खुशी मिल रही है। पहले तो मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहेगा, मेरे भाई है ये, इसे लेके जब मैंने घात बनाया उसके बाद इससे अच्छी अच्छी पिक्चर मिल रही है, दीवाना तेरा मर जाएगा जो इसका एक अच्छा प्रोजेक्ट जैसे ड्रीम सिटी इसे प्रोड्यूस कर रहा है, वैसे इसका एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी था जहाँ तक मुझे पता है, बहुत सालों से इसने इस प्रोजेक्ट पे मेहनत की है और साथ मिला है मनोज पांडे जी का एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर। आई विश हिम ऑल द बेस्ट के आगे और अच्छी अच्छी पिक्चर करे, मेरे साथ भी बहुत सी पिक्चर करे, साथ में रहे। यश कुमार जी ने बोला कि संगीत बहुत अच्छा है तो नयापन है, कहीं ना कहीं
दीवाना तेरा मर जाएगा और मनोज पांडे जी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ। मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारक सब टीम को, कॉन्ग्रेचुलेशन। पिक्चर अच्छी बने, हम सब साथ हैं आप लोग के, तो हम कोशिश करेंगे कुछ अच्छा काम करने के लिए। ऑडियंस पे अपने आप ही आप लोग देखोगे कैसा है। बात कीजिए, चीफ गेस्ट जो है अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस वो चीफ गेस्ट हमारे लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद उनके। हम फर्स्ट टाइम मिले उनसे, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छे, तो अच्छा लगा। एक भोजपुरी के लिए कोई नया आदमी आया, चीफ गेस्ट आया, भोजपुरी को एक बढ़ावा मिलेगा। सबेन जी जो चीफ गेस्ट हैं, सबेन सिंहा जी और रूपाली जी, उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? सर मैं जितना भी बताऊं उनके लिए कम है। सतीश शिखा जी के लिए मैं क्या बोलूं, जितना भी बोलूंगा कम है, क्योंकि एक बोला ना मैं कि ऐसे हस्ती, ऐसे इतिहास रचने वाले कभी कभी मिलते हैं, वो आशीर्वाद देने के लिए आए। हमारे लिए भगवान का बहुत बड़ा असीम कृपा है कि वो आए। वो कनाडा, उन्होंने 174 कंट्री में घुमा है। कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं, कोई ऐसा देश का राजा नहीं कि जो उनको नहीं मिला है, नहीं कुछ अवार्ड दिया है। बड़े बड़े फैशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जितने अभी उन्होंने, कल का न्यूज है कि 7000 बच्चों को उन्होंने बुक्स और स्कूल में एडमिशन कराया, और क्या बताऊं, बहुत कुछ दिया। और कितने हजार बच्चे हैं जो उन्होंने, उनको शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, गरीबों को खाना बांटते हैं, मतलब क्या क्या नहीं देते हैं और रह के। तो ऐसे इंसान मिलना, और पूरी अपनी जितनी प्रॉपर्टी है इन्होंने कनाडा में डोनेट कर दिया है। क्या और इस शख्सियत, वो भगवान का, गणेश जी का आशीर्वाद है कि वो चल के आए, मुझे आशीर्वाद दिए। और उसमें एक श्रेय जाता है मेरी सिस्टर जो आई है डिजाइनर रूपाली का, वो मुझे बोली कि भैया ऐसे ऐसे है, ऐसी बातें हैं, तो वो सबसे बड़ा इनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वो आए, उनके लिए जितना भी बोलूँगा कम शब्द है। और इंडस्ट्री के महान महान हस्ती जैसे अमित जी, अभी जितना नाम लूँगा कम है। वो साइड पे आप जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि वो कौन हस्ती है। तो तहे दिल से चरण स्पर्श करना चाहता हूँ मेरे आदर्श जो चल के आए हैं, सतीश शिखा जी को कोटि कोटि नमन करता हूं मैं, कि जो मुझे इस फिल्म के लिए और मुझे आशीर्वाद दिया। के दोस्त सतेंद्र जी की फिल्म का वोट किया गया है, आप यहां शुभकामनाएं देने आए हुए हो, शुभकामनाएं में आप क्या कहना चाहोगे? मैं क्या बोलूं, उनके तो हर फिल्म में मैं होती हूं, चाहे शुभकामनाएं दूं या उनके काम में, मतलब साथ में काम करूं, तो मेरे तो बेस्ट विशेस उनके साथ है ही, हमेशा से ही रहेगी। तो कांग्रेचुलेशन सर आपके नए फिल्म के लिए, आप भी कर रही हो पिक्चर, कांग्रेचुलेशंस टू मी आल्सो कि मैं भी काम कर रही हूं। सतेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, और बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और उसके साथ साथ डांसर भी हैं। इनका डांस और एक्सप्रेशन देखने के बाद मैंने बोला था, ग्लोरी जी आप हमारे फिल्म में एज ए हीरोइन कीजिए, तो ये बोली थी कि हाँ जरूर करेंगे, लेकिन बट अभी नहीं करेंगे। और ऐसा रहा है कि ऐसी इंडस्ट्री की चुलबुली हंसती खिलखिलाती एक ग्लोरी है, जो जिस सेट पे जाती है, जिस फिल्म में रहती है, वो फिल्म चहकते दहकते और बहुत अच्छा से बनता है। और ये जो फिल्म में आइटम करती हैं, तो पूरा भोजपुरी या इंडस्ट्री दीवाना हो जाता है। जैसे कि मैं दीवाना तेरे प्यार में जो फिल्म, दीवाना तेरा मर जाएगा इसके बाद आने वाली है, उसका तो नहीं खोलूँगा, लेकिन दीवाना तेरा मर जाएगा में भी ये दीवानगी मचाने के लिए और तालका मचाएंगी भोजपुरी इंडस्ट्री के नौजवानों पे।